नॉन स्टॉप T20 क्रिकेट PSL खत्म हुआ और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीरीज आ गई है 3 मैच की T20 दुबई में, और ये तैयारियां हैं 2023 के वर्ल्ड कप खेलने की T20 की, जो कि अक्टूबर नवंबर में एक्सपेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद याव यासीन, वेलकम बैक टू क्रिकेट सीन्स। और आज बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की T20 सीरीज की। तीनों मैचेस को नसीम शाह के अफगानिस्तान को पिछले मारे हुए छक्कों को, राशिद खान और अफगानिस्तान के स्पिनर्स की बॉलिंग को बाद में देखते हैं, पहले पाकिस्तान का स्क्वाड देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या स्क्वाड भेजा है। ये पाकिस्तान का स्क्वाड अफगानिस्तान की सीरीज के लिए, बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को रेस्ट करवाई है, कैप्टनसी करेंगे शादाब खान, और उसके साथ PSL के सारे नए टैलेंट को डाला है अफगानिस्तान की सीरीज के खिलाफ। मजा आएगा, ये सारा टैलेंट जब एक ही साथ नेशनल क्रिकेट टीम के अंदर खेलेगा, लेवल हो जाएगा। लाहौर के लेते से उठाया अब्दुल्ला शफीक को और जमान खान को, मुल्तान सुल्तान से एहसान उल्ला को, और इस्लामाबाद यूनाइटेड से आजम खान को उठाया। उसके साथ कराची किंग्स से आ रहे हैं इमाद वसीम और पिशावर जलमे से साइम अयूब को। जो बहुत मेन टैलेंट है जिसपे मेनली नजर आएगी वो होगा साइम अयूब और एहसान उल्ला, और इन यंग टैलेंटेड किड्स के साथ हैं एक्सपीरियंस इफ्ती चाचा, शादाब खान और नसीम शाह। पहला मैच है कल फ्राइडे को, फिर दूसरा संडे को, तीसरा मंडे को, और 3 मैचेस की सीरीज खत्म। लेट्स मूव टुवर्ड द प्रेडिक्शन। पाकिस्तान की न्यू टीम है, सामने अच्छी टीम है लेकिन बड़ी नहीं है। कौन मैच जीतेगा, कौन सीरीज जीतेगा, तो मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि पाकिस्तान जो है 2-1 से सीरीज जीत जाएगा। एक मैच, अब इसके दो चांसेस हो सकते हैं, या तो पाकिस्तान पहला मैच हारते या पाकिस्तान आखिरी मैच हारते। पहला मैच हारेगा, 2 जीतेगा, या पहले 2 जीत के आखिरी मैच उनको जिता देगा। ये चांसेस हैं क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉपर टीम नहीं खेल रही, बाबर आजम नहीं खेल रहा, शाहीन नहीं खेल रहा, आरिस नहीं खेल रहा, नए प्लेयर्स हैं, तो हो सकता है एक मैच में कहीं आप और नीचे हो जाए, लेकिन सीरीज पाकिस्तान के साथ ही है। 60-40 की विनिंग प्रोबेबिलिटी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। प्रिडिक्शन ये है, लेकिन दिल यही करता है कि पाकिस्तान तीनों जीत जाए, चौसियां आ जाएंगी। कल 9 बजे मैच देखने के बाद पता चलेगा कि पहला मैच कौन जीतता है, पाकिस्तान के नए टैलेंट्स क्या करते हैं। आज के लिए इतना ही, क्रिकेट को एंजॉय करें, तब तक के लिए रब रखा, और आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक।